मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री और सियासत में एक पदक इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि 73 दिन कल्पना कर सकता है एक मंत्री अपना क्षेत्र और बाकी सब चीजें छोड़ के 73 दिन केवल सियासत सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसलिए उज्जैन में डटे रहे। एक बार इनका भी ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। मकान भी ट्राई कर लिया था। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, प्रमुख आरक्षक हो, सेनानी हो, और इससे बड़ी खुशी मुझे यह है कि आज वो अकेले नहीं आए, आज सारे परिवार यहां विराजमान है, मेरी बहनें, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, ये मामा ने कहा था बीजेपी से अकेले नहीं आएंगे, साथ आएंगे सर। पुलिस की नौकरी अलग तरह की, इस नौकरी में न सुबह है न शाम है, न दिन है न रात है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और है कि कुछ कह भी नहीं सकते आप। बाकी जगह तो नारे लग जाते, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, लेकिन यहां कई बार मार भी पड़ती और रोने भी नहीं देते। दिन और रात लगातार कर्तव्य निष्ठा से अपने काम में पुलिस जुटी रहती है। होली नहीं, दिवाली नहीं, दशहरा नहीं, ईद नहीं, क्रिसमस नहीं, जहां भी कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी है वहां डटे मैदान में। और जब मैं जानता हूं परिवारों की तकलीफ, बाकी लोग दिवाली के दिए साथ जलाते होंगे, होली पर रंग गुलाल उड़ाते होंगे, लेकिन आप इन पर्वों पर भी साथ नहीं रह पाते हैं। और इसलिए आज मैं पुलिस परिवारों को, मेरी बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा साथ नहीं देते तो ये भी पदक के हकदार नहीं होते। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि शायद पुलिस के इतिहास में परिवार के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित हों। पहले हम लोग सुनते थे कि देश में महाराष्ट्र की पुलिस बहुत अच्छी मानी जाती है, परंतु आज मैं इस मंच से कह सकता हूं कि आज पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि देश में अगर सबसे अच्छा काम कहीं की पुलिस कर रही है तो वह मध्य प्रदेश की पुलिस।